नमस्कार, आप जोई रहा छो लोक सत्ता जनसत्ता। हूँ छू मनोज शर्मा। गुजरात में 36मी नेशनल गेम नु आयोजन थवानु छे ने तेमा वडोदरा में पण बे गेम रमावानी छे। आजे दिल्ली थी पण टीम आवी छे, एकता बिश्नोई जी छे, तेम साथे आपणे चर्चा करीशुं। मैडम, आप वडोदरा आए हो, 36मी नेशनल गेम खेलने जा रही है, क्या क्या तैयारी आपने यहाँ देखी है, कैसा माहौल है अभी? 36वीं नेशनल गेम्स जो 7 साल के बाद होने जा रही है, इसमें 36 डिसिप्लिन होने वाले हैं और करीबन 7500 यूनिक एथलीट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें वडोदरा में जिमनास्टिक और हैंडबॉल का गेम होने वाला है और यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से तैयारी को एक बार देखने आए थे, तो हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि पूरा वडोदरा में तैयारी बहुत उत्साह के साथ नेशनल गेम्स की इंतज़ार किया जा रहा है। और यहाँ समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, चाहे वो रिपेयरिंग का काम हो या फिर छोटा मोटा रिपेयरिंग हो या फिर बड़ा पेंटिंग का काम हो, सब बहुत ही तेज़ी से इसको नेशनल गेम्स के लिए जिमनास्टिक्स और हैंडबॉल के लिए तैयार किया जा रहा है। मैडम, जिस तरह का 7 साल के बाद नेशनल गेम्स हो रहे हैं और वो भी पहली बार गुजरात में और वडोदरा में, तो ये पहली बार नेशनल गेम खेला जा रहा है, आपने जो तैयारी अभी तक देखी है कितने संतुष्ट हैं, क्या क्या कुछ कहा गया है कि इसमें कुछ हो सकता है? मैंने अभी तक जो भी यहाँ पे तैयारी देखी तो हम लोग उससे बहुत ही संतुष्ट हैं। बहुत ही राज्य सरकार इसमें बहुत मन लगा के अपना योगदान दे रही है और ना कि सिर्फ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया माहौल है उसके लिए तैयारी करने के लिए, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बाकी भी एथलीट्स और टेक्निकल ऑफिशियल सबके लिए गेम्स कंडक्ट करने के लिए जो तैयारी चाहिए वो भी बहुत ही जोरों शोरों से और बहुत ही मन लगा के इसमें यहाँ पे की जा रही है। तो मुझे ये देख के बहुत ही ज़्यादा हर्ष हुआ है कि पूरा बड़ौदा, जिसमें पहली बार यहाँ पे नेशनल गेम्स हो रहे हैं, वो नेशनल गेम्स की तैयारी में इतने हर्ष के साथ जुटा हुआ है। मैडम, काफ़ी सालों के बाद देखा जा रहा है कि जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय गेम होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, मेडल मिल रहे हैं, काफ़ी लोग इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, तो जिस तरह की नेशनल गेम खेली जाएगी, कहा जाता है गुजरात में काफ़ी खेलों के प्रति थोड़ा कमी रहता है, लेकिन इसके बाद गुजरात में भी कितना बढ़ेगा इसका क्रेज़? जहाँ देखिए, जब एथलीट्स खेलते हैं तो यहाँ पे जब बड़ौदा के लोग देखेंगे, गुजरात के लोग देखेंगे, तो ये एक इंस्पिरेशन होता है जो कि बडिंग एथलीट्स होते हैं, जब भी किसी राज्य में नेशनल गेम्स होते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है। और गुजरात धीरे धीरे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है और इस नेशनल गेम्स से इंस्पिरेशन लेके मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भारत के नक्शे में और भी बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्समैन सभी डिसिप्लिन में देगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये आ हता एकता बिश्नोई, जे खेलो इंडिया ना जॉइंट डायरेक्टर छे अने हाल तेवो वडोदरा आव्या छे अने समा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खाते जे पण तैयारी छे तेनो तेवो निरीक्षण करी रह्या छे, जे पण नानी मोटी जे सूचनो छे ते आपवामां आव्या छे अने 36मी नेशनल गेम जे गुजरातमां रमावानी छे अने वडोदरामां पण जे बे गेमोनું આયોજન કરવાનું છે તેના માટે શું શું તૈયારી કરવાની છે તેની રૂપરેખા અહીં આગળ નક્કી કરવામાં આવી રહી છે। કેમેરામેન શ્યામ સોનવણે સાથે મનોજ શર્મા, લોકસત્તા જનસત્તા માટે।